मेरे प्रियो, आज जिस विषय पे मैं आपके साथ वचन शेयर करने वाला हूँ, ये उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके परिवार के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, पर उस व्यक्ति के पर्टिकुलर जीवन के ऊपर हम बहुत थोड़ा मनन करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये कौन व्यक्ति है जिसके परिवार के बारे में हम चर्चा करते हैं और जिसके परिवार के सदस्य के बारे में हम कम मनन करते हैं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति है अब्राहम। और आज मैं और आप, हम किसके वंशज हैं? अब्राहम के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मसीह यीशु पर आप विश्वास कर चुके हैं, यीशु मसीह को आप रिसीव कर चुके हैं, अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं और आप अब्राहम की संतान हैं। गलातियों 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन बोलता है। अब्राहम के ऊपर हमारे पास बहुत सारी वंडरफुल टीचिंग्स हैं। मैंने स्वयं अब्राहम के ऊपर कितने प्रकाशन को, कितनी टीचिंग्स को मैंने दिया है, पर आज मेरे प्रियो, मैं अब्राहम के परिवार से एक सदस्य के बारे में आपके साथ वचन बांटूंगा, जिसकी ऊपर अभी कुछ दिनों पहले मैं मनन कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, और कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे दिखाई वो बहुत वंडरफुल है। बड़ी अद्भुत बातें प्रभु ने मुझे दिखाई, मैं आपके साथ बांटूंगा, आप सचमुच में उसे देख करके ब्लेस होंगे। ये कौन है? ये अब्राहम की पत्नी सारा है, और कोई नहीं परंतु सारा है। सारा के ऊपर हम सब जानते हैं, सारा के ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं, पर बहुत गहराई से सारा के जीवन के ऊपर हमने कभी विचार विमर्श नहीं किया। आज की शाम मैं सारा के जीवन से और सारा का जो विश्वास था उसके ऊपर से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रियो, सारा जो है ये अब्राहम की पत्नी रहती है। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत सारांश में मैं उत्पत्ति की कुछ बातों का आपके सामने रखूंगा, समय के अभाव के कारण। आप उसे उत्पत्ति 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, बीच में सदोम और अमोरा और लूत का वर्णन भी आता है, तो उत्पत्ति 15 से लेकर के 21 अध्याय तक आप इन बातों को पढ़ने के लिए पाएंगे और इन बातों को आप देखने के लिए पाएंगे। सबसे पहले जो सारा का जो जीवन हम देखते हैं कि उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर पिता अब्राहम को बोलते हैं कि अब्राहम तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। सबसे पहले अब्राहम परमेश्वर को बोलता है कि मेरा ये जो दमिश्क वासी जो दास है एलियाजर, यही मेरा अधिकारी होगा, क्योंकि मेरा तो अपना बेटा नहीं है। तब परमेश्वर पिता अब्राहम को बोलते हैं कि अब्राहम नहीं, ये दास तेरा अधिकारी नहीं होगा, परंतु तेरा निज पुत्र तेरी सारी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, सारी चीज़ों का वो अधिकारी होगा, और वो तेरे द्वारा उत्पन्न होगा, वो तेरा निज पुत्र होगा। और परमेश्वर ने फिर बोला, अपने तंबू से बाहर निकल, आकाश के तारों को देख, ऐसे मैं तेरे वंश को करने वाला हूँ। और बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया, और जब वो विश्वास किया तो विश्वास का पिता गिना गया। मेरे प्रियो, सारा के जीवन का जो भेद है, अब्राहम तो विश्वास का पिता है, उसी प्रकार से सारा जो है वो विश्वास की माता है, द मदर ऑफ फेथ। और आपको मालूम है सारा के जीवन का भेद क्या था, सारा के जीवन का रहस्य क्या था? आज कुछ समय में, थोड़े समयों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सारा के जीवन का रहस्य क्या था जो वो सारे विश्वासियों की माता बनी, या सारे बिलीवर्स की, विश्वास की माता बनी। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है कि जब परमेश्वर पिता अब्राहम को दर्शन देते हैं, जब बाइबल हमको बताती है अब्राहम ममरे के वृक्ष के नीचे में बैठा हुआ था अपने तंबू के बाहर में, तब 3 पुरुष अब्राहम के पास आते हैं। और जब 3 पुरुष अब्राहम के पास आते हैं तो अब्राहम दौड़ करके जाता है उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, और मुँह के बल गिरता है और उन्हें दंडवत करता है। और ये पहला वर्णन है मेरे प्रियो, जब अब्राहम गिर करके दंडवत करता है। दंडवत के लिए हमारे पास जो इब्रानी शब्द आया है, उस इब्रानी शब्द का मतलब है वर्शिप करना, आराधना करना, प्रेज करना। ये उत्पत्ति में पहली बार आया है। तो दंडवत का मतलब ये नहीं होता कि झुक करके प्रणाम करना, पर दंडवत का जो इब्रानी में मतलब हमारे सामने आता है, वो मतलब है कि झुक करके वर्शिप करना, आराधना करना, प्रेज करना, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, प्रभु के नाम को महिमा देना। तो अब्राहम ने उन्हें दंडवत किया। दंडवत करने के बाद फिर अब्राहम पूरी ऑफरिंग्स लेकर के आता है, और वो ऑफरिंग परमेश्वर के जो दास रहते हैं, जो 3 स्वर्गदूत रहते हैं, वो परमेश्वर के दूतों को ग्रहण योग्य होता है। और उस वक्त परमेश्वर के दूत अब्राहम को ये बात बोलते हैं कि आने वाला जो ऋतु है, ऋतु के लिए हमारे पास जो फुट नोट में हमारे पास वर्ड आया है, वो शब्द है कि निज समय में या नियत समय में, जिसको मैं बोलता हूँ द गॉड ऑर्डेंड टाइमिंग, या दूसरे शब्दों में द टाइम
चूजन बाय गॉड। इसे आप पढ़ने के लिए पाएंगे रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें वचन में, जहाँ पे लिखा हुआ है नियत समय पर। मेरे प्रियो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पाना चाहते हैं, पर उस चीज़ों को पाने के लिए सही समय नहीं होता है। उसी प्रकार से जो चीज़ें परमेश्वर की टाइमिंग में आपको मिलती है, परमेश्वर की नियत समय के अनुसार वो चीज़ें मिलती हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है और उससे महिमा परमेश्वर को मिलती है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जब बोला कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, वो तब अब्राहम 75 साल का था, 75। और जब परमेश्वर फिर से अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं या उसको बोलने के लिए आते हैं कि अब तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तब अब्राहम 100 वर्ष का था, 99 है, 100 वर्ष को टच कर चुका था। तब अब्राहम बोलता है कि मैं तो 100 वर्ष का हूँ, उत्पत्ति की अध्याय में मैं तो 100 वर्ष का हो चुका हूँ, और अब मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं बच्चा उत्पन्न कर सकूँ। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, पहली बार परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय में कि मैं एल शदाई हूँ। एल शदाई का मतलब है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहम, जो तुझसे नहीं हो सकता, जो तेरे लिए परिस्थिति विपरीत दिख रही है, मैं तेरे लिए करूँगा, मैं अपने उस वायदे को तेरे लिए पूरा करूँगा। मेरे प्रियो, कई बार परिस्थिति सिचुएशन ऐसी आपके सामने में आती है जब आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें मेरे जीवन में संभव नहीं हो पाएंगी। तब परमेश्वर पिता बोलते हैं मैं तुम्हारा एल शदाई हूँ, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं इन चीज़ों को तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता पहली बार उत्पत्ति 17 में अब्राहम के सामने में अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जब उत्पत्ति 21 में परमेश्वर पिता के जो दूत रहते हैं वो अब्राहम को बोलते हैं कि अब नियत समय पर आने वाले ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तब बाइबल हमको बताती है कि सारा मन में हंसती है। वो ओपन नहीं हंसती है दांत दिखा करके कि मैं हंस रही हूँ, सारा अपने मन में हंसती है और बोलती है कि मेरी तो उम्र निकल चुकी है, जो बेबी कंसीव करने की, बच्चा कंसीव करने का जो मेरा समय है वो निकल चुका है। बाइबल में जो शब्द आया है कि सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था, अब वो कैसे बच्चे को कंसीव करेगी। तब परमेश्वर का दूत अब्राहम को बोलता है कि जब मैं वायदे की बात कर रहा हूँ, जब मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करने की बात कर रहा हूँ, तो सारा क्यों मन में हंस रही है और मन में हंस करके क्यों बोल रही है कि ये संभव नहीं हो सकता। तब परमेश्वर बोलते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे से हो सकता है। ये यीशु मसीह के शब्द थे, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। वॉट अ ऑडेशियस स्टेटमेंट, क्या अद्भुत हिम्मत और साहस देने वाला ये शब्द है जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, क्या मैं तेरे लिए बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता। सुसमाचार में बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ोगे यीशु मसीह के स्टेटमेंट को, यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर पत्थर से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। दिस इज कैपेबल, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अवर गॉड, ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की योग्यता है। मेरे प्रियो, मैं सीधा उस बिंदु पर आना चाहूँगा जहाँ पे हमको पता चलता है कि सारा के विश्वास का रहस्य क्या था। जब अब्राहम का पुत्र उत्पन्न हुआ, अब्राहम 100 साल का था, सारा 90 साल की थी, 90 ईयर्स। और आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब सारा 90 साल की थी वो कैसे दिखती थी। आप पहले के अध्यायों का पढ़ोगे, 18, 19, 20 अध्यायों का पढ़ोगे, तो बाइबल हमको वहाँ पे पहले एज बताती है 17-18 अध्याय में कि सारा 90 वर्ष की थी। उसके बाद बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम और सारा जब गरार में आते हैं, तब अबीमेलेक देखता है सारा को और देख करके सारा को अपने पास बुलाता है। हाउ ब्यूटीफुल सारा वॉस, आप सोच सकते हो 90 साल की स्त्री 90 साल में कैसे दिखेगी, पर अबीमेलेक उसको अपना बनाना चाह रहा था, जवानी को उकाब के समान नए कर दिया था, जो हमको यशया 40 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे बाइबल बोलती है जो परमेश्वर की बाँट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आपको याद आया, उसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की जवानी को उकाब के समान नया कर दिया था। इसलिए तो अबीमेलेक ने देख करके बोला कि इसे मेरे पास लेकर के आओ, मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। उसके बाद बाइबल हमको बताती मेरे प्रियो, 90 ईयर्स, 90 साल
आपको मालूम है सारा के विश्वास का रहस्य क्या था? ये बाइबल हमको बताती है इब्रानियों उसके 11वां अध्याय और उसका 11वां वचन। आप बाइबल में से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा विश्वास को आपका बढ़ाएगा। यहाँ पे बाइबल हमको बोलती है कि सारा किस प्रकार से सारा ने विश्वास किया, विश्वास करके अपने मासिक धर्म की टाइम जाने पर भी वो बेबी को कंसीव कर पाई। क्यों मालूम? क्योंकि 11वां अध्याय के 11वें वचन में बाइबल बोलती है, क्योंकि सारा ने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इंग्लिश में वंडरफुल लिखा हुआ है, सारा जज्ड हिम फेथफुल हु हैज प्रॉमिस्ड। सारा ने उसको जिसने प्रतिज्ञा की है विश्वास योग्य जाना। सारा ने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, मैं बच्चा को कंसीव नहीं कर पाऊंगी, मैं गर्भ धारण नहीं कर पाऊंगी। सारा ने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा, सारा ने यीशु को देखा और सारा ने बोला कि तूने विश्वास किया है ना प्रभु, अब्बा पिता तूने विश्वास किया है ना, मैं तुझे देखती हूँ कि तू विश्वास योग्य है अपने वायदे को पूरा करने में, तू विश्वास योग्य प्रभु है अपने वचनों को पूरा करने में, मैं तुझे देखती हूँ कि तू विश्वास योग्य है। और जिस घड़ी उसने अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाई, जिस घड़ी उसने बोला कि प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू वायदे को पूरा करेगा, मैं अपनी परिस्थिति को नहीं देखूंगी, मैं अपनी परिस्थिति से अपनी नज़रों को हटा करके तुझ पर अपनी आंखों को मैं लगाऊंगी, जिस घड़ी उसने यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह विश्वास योग्य है, इसहाक उसके घर में आया और इसहाक उत्पन्न हुआ जो उसका निज पुत्र था, और इसहाक के द्वारा ये वंशावली आगे बढ़ी और आज हम सब मसीह यीशु में अब्राहम के वंशज हैं। ये हमारी विश्वास की माता सारा है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी आंखों को हटाइए उस परिस्थिति से और अपनी आंखों को लगाइए उस प्रभु पर और देखिए कि जिसने वायदा किया है ना वो वायदा को पूरा करने वाला प्रभु है, जिसने वायदा किया है ना वो वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य है, जिसने बोला है ना कि मैं करूँगा वो उस काम को पूरा करने वाला प्रभु है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, टाइम लगा, कितना लगा? 25 साल, 25 साल का टाइम लगा, पर क्या वायदा पूरा हुआ? हाँ, 100% वायदा पूरा हुआ। इस बीच में प्रभु ने उनके विश्वास को प्रभु ने देखा कि इनका विश्वास मुझ पर कितना बना हुआ है। मेरे प्रियो, 25 साल लगे पर जब इसहाक उत्पन्न हुआ वो एक चैंपियन था मेरे प्रियो, एक चैंपियन सारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा एक जनरेशन निकली जो आज आकाश के तारों के समान है, जो समुद्र के बालू की किनकों के समान है, जिसे कोई गिन नहीं सक रहा, जिसका आज मैं और आप हम सब हिस्सा हैं, अब्राहम के वंशज है मसीह यीशु में। क्या ग्रेट विश्वास था मेरे प्रियो। एक और मैं इवेंट बाइबल से आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें इवेंट शेयर करने से पहले एक वचन आपके साथ शेयर करता हूं जो हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों 5:7 जहां पे बाइबल बोलती है, इसलिए हम देख करके नहीं पर हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी डू नॉट वॉक बाय साइट बी वी वॉक बाय फेथ। हम देख करके नहीं चलते, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। आज मेरे प्रियो, आप अपनी आंखों को अपनी परिस्थिति से हटाइए और विश्वास के द्वारा चलना शुरू कर दीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब अब्राहम के वंशज जंगल में भटक रहे थे और परमेश्वर ने बोला था कि ये जो वायदे का देश है कनान, मैं तुमको दूंगा। और परमेश्वर ने बोला, इससे पहले कि मैं तुमको उस देश को दूँ, क्यों ना एक बार तुम कुछ भेदियों को, 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र में से एक एक लोगों को चुन लो कि वो जा करके उस देश को देख करके आए कि वो देश कैसा है। 12 गोत्र में से 12 लोग चुने गए, 12 लोग गए जा करके कादेश बर्निया से उस देश को देखे। क्या अद्भुत देश था जहाँ पे दूध और मधु की धारा बह रही थी। पर जो 10 लोग थे, 10 गोत्र के 10 लोग थे, वो निराशाजनक रिपोर्ट लेकर के आए। वो बोले कि अरे उस देश में तो अनाक वंशी रहते हैं, हम उस देश को नहीं ले सकते, हम उस देश को नहीं जीत सकते, हम वहाँ नहीं प्रवेश कर सकते, अनाक वंशी रहते हैं वहाँ, दानव है वहाँ, हम कैसे उनका सामना करेंगे। पर 2 लोग अपनी परिस्थिति से अपनी नज़रों को हटाए और यीशु की ओर अपनी आँखों को उठाए। आपको मालूम मेरे प्रियो, ये 2 लोग और ये 10 लोगों में क्या अंतर था? ये 10 लोग जो थे ये अपनी सामर्थ को देख रहे थे,
कि हम में कितनी योग्यता है, हम में कितनी शक्ति है, हम अनाकवंशी से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, हमारे हमारे गोत्र में कितने लड़ाक हैं, हम सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने आप को देखें। पर ये जो दो लोग थे, आपको मालूम है ये कौन कौन थे? यहोशू और कालेब। इनके स्टेटमेंट को आप पढ़िए बाइबल में, ये वापस आकर के बोलते हैं कि वो अनाकवंशी हमारे लिए रोटी है, दे आर ब्रेड फॉर अस, चलो चल करके उन्हें खाते हैं। आपको मालूम था दो, आपको मालूम है मेरे प्रियो, दोनों का नजरिया अलग था। ये 10 लोग अपनी सामर्थ्य को देखे, और जिस घड़ी ये अपनी सामर्थ्य को देखे, उनके उनके जीवन में निराशा आई, परेशानी आई, और वो वंचित रह गए उस देश में प्रवेश करने से। पर ये दो लोग जो अब्राहम के वंशज थे, यहोशू और कालेब, इन्होंने परिस्थिति से अपनी नज़रों को हटा करके यीशु की ओर लगाया, और उन्होंने अपनी सामर्थ्य को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, और उन्होंने बोला कि जिसने वायदा किया है ना, वो वायदा को पूरा करने वाला प्रभु है, जिसने बोला है ना कि उस देश को दूंगा, वो उस देश को देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य को नहीं देखा, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखा, और देख करके उन्होंने विश्वास से बोला कि वो अनाकवंशी हमारे लिए रोटी है, चलो चल करके खाते हैं। आपको मालूम रिजल्ट क्या था मेरे प्रियो, परिणाम क्या हुआ? उस जनरेशन की लोगों में से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया, सिर्फ दो लोग यहोशू और कालेब उस देश में प्रवेश करने के लिए पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, उन्होंने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना, उन्होंने देखा कि अब्बा पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने वायदा किया है ना, तू वायदा को पूरा करेगा प्रभु, तूने कहा है ना प्रभु कि इस देश को दूंगा, तू उस देश को देगा प्रभु। फर्क नहीं पड़ता कि अनाकवंशी रह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कमजोर हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में गलतियां हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कमजोर हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम लड़ाई में हारने की हमारी चांस ज्यादा है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारी ओर सेनाओं का यहोवा है, और यहोवा ने हमको वायदा किया उस देश को देने का, और वायदा को वो पूरा करने वाला प्रभु है, अपने वचन को पूरा करने वाला वो प्रभु है। और ये दो लोग उस देश में प्रवेश किए। मेरे प्रियो, ये हमारी माता, हमारी विश्वास की माता का ये विश्वास था, सारा का ये विश्वास था। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, और उसके जो वंशज हैं यहोशू और कालेब, उन्होंने भी प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। और आज मैं भी, और आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, उस वचन को, उस वायदे को पूरा करने वाले प्रभु को सच्चा जानिए। मैं हमेशा, जब प्रभु ने इस बातों को रिवील किया मेरे प्रियो, मैं कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने में क्या है, कैसा है, नहीं, मैं अपनी नज़रें हमेशा यीशु पर लगा करके रखता हूँ, कि फ़र्क नहीं पड़ता परिस्थिति क्या है, मुझे ये पता है कि परिस्थिति को बदलने वाला मेरा प्रभु है, परिस्थिति से विपरीत काम करने वाला मेरा प्रभु है। क्योंकि आज हम अब्राहम के वंशज हैं, हम उस माता, विश्वास की माता सारा से हम उत्पन्न हुए हैं मेरे प्रियो। हमारा जो पिता है, विश्वास का पिता अब्राहम, उसने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कामों को किया है। आज हम उसी की संतान हैं, उसी के वंशज हैं मेरे प्रियो। तो अपनी परिस्थिति से अपनी नज़रों को हटाइए, और विश्वास करने वाले को, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए, क्योंकि जो यीशु ने बोला है वो उस बात को पूरा करेंगे। फाइनली मेरे प्रियो, एक वचन आपको बताऊंगा सारा के जीवन से, जो सारा के जीवन का रहस्य है, फिर मैं वचन को क्लोज करूंगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, उसका 4-6 तक, आप पहले सुन लीजिए, फिर आप आराम से उस वचन को खोल करके देखिएगा। पहला पत्रस 3 में बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि इसलिए कि तुम्हारा जो गुप्त मनुष्यत्व है, वहाँ पर बाइबल हमको बताती है, तुम्हारा जो गुप्त मनुष्यत्व है, जो छिपा हुआ मनुष्यत्व है, वो कैसा होना चाहिए? वो नम्र और वो नम्रता और मन में दीनता से भरा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नम्र और मन में दीनता से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही जो है, ये जो चीज़ है, ये परमेश्वर को अत्यधिक ग्रहण योग्य होता है। यही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, यही तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद 5वें वचन में बाइबल हमको प्रोवाइड करती है एक वचन, जहाँ पे बाइबल हमको बोलती है कि पुराने नियम की जो पवित्र स्त्रियाँ थी, वो इसी तरह से अपने आप को सजाती थी, अपने आप को संवारती थी, और इसी तरह से सारा अपने पति को स्वामी कहती थी। और उसके बाद नीचे 6वें वचन बाइबल बोलती है कि हम भी
अब्राहम की सारा की बेटियां हैं, जितने जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, छठवां वचन आप सब के लिए है कि इसी प्रकार से आप सब सारा की बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? चौथे वचन बाइबल हमको बताती है कि हमारा जो गुप्त और छिपा हुआ जो मनुष्यत्व है वो नम्रता और मन में दीनता से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही जो है, यही जो एटीट्यूड है, यही स्वभाव जो है, ये परमेश्वर को अत्यधिक ग्रहण योग्य होता है। हाँ मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, ये जो वचन है पहला पत्रस तीसरा अध्याय चौथा वचन, इस वचन को बाइबल हमको बोलती है फिलिपियो दूसरा अध्याय पांचवें वचन में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। जैसा यीशु का नेचर था, जैसा यीशु का एटीट्यूड था, वैसा तुम्हारा एटीट्यूड भी होना चाहिए। पहला पत्रस तीसरे अध्याय के चौथे वचन में दो बात बाइबल बोलती है। पहली बात कि नम्रता और मन में दीनता। इस दो बात को जब आप पढ़ते हैं आपको कुछ याद आ रहा है मेरे प्रियो? हाँ, ये मेरे यीशु मसीह के शब्द हैं। मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 से 30 वचन को जब आप पढ़ोगे, 29वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझसे सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम मुझसे सीखो। दूसरे शब्दों में सारा के जो विश्वास का रहस्य था, सारा के विश्वास का जो सीक्रेट था, वो ये था कि सारा ने प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाई और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उसने ग्रहण कर लिया था। यीशु मसीह के स्वभाव को उसने पहन लिया था। इसलिए फिलिपियों दूसरे अध्याय के पांचवें पद में बाइबल बोलती, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव भी हो। मेरे प्रियो, ये जो दो बातें लिखी हुई हैं, ये यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया है। और इसका सीक्रेट, इसका रहस्य हमको पत्रस की पत्री में पढ़ने को मिलता है कि जो परमेश्वर को अत्यधिक ग्रहण योग्य होता है, जो हमारा हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, वो नम्रता और मन में दीनता से भरा हुआ होना चाहिए। और इसके द्वारा जो परमेश्वर को हम अत्यधिक ग्रहण योग्य होते हैं। तो मेरे प्रियो, पूरा जो कॉन्क्लूजन, पूरा जो निचोड़, पूरा जो सारांश हमारे सामने में आता है वो ये है कि हरेक परिस्थिति से, हर एक चीज़ों से अपनी आंखों को हटाइए, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए और यीशु के स्वभाव को, यीशु के एटीट्यूड को पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा ही आप, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की छवि, यीशु मसीह की पहचान झलकेगी और इसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी। मेरा समय यहाँ पर पूरा हुआ और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं।